वेलकम टू मॉम्स प्लेटर ऑफ लव। आपने तो इंट्रो में देख लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। बट इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए झटपट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। आज हम चिली फ्लेक्स बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ ड्राई चिलीज ले ली है। देखिए इस तरह से ये मोटे मोटे हैं। आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन मोटे वाले से ही ये बनता है। अब इनमें से कुछ का हम बीज निकाल लेंगे। इस तरह बीज से तोड़ेंगे और इस तरह से देखिए आप प्रेस करते हुए सभी बीजों को निकाल लेंगे। सभी का हमें नहीं निकालना है, बस कुछ ही ड्राई रेड चिली से हमें ये करना है। इसी तरह से बीज निकालते जाए, सारे सीड्स को आपको निकाल लेना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। सेम प्रोसेस में मैंने कुछ लाल मिर्चों से इस तरह से बीजों को निकाल लिया है। देखिए मैंने सभी को ब्रेक नहीं किया है, इनमें से मैंने कुछ को होल भी रखा है, यानी कि देखिए खड़ी लाल मिर्च को मैंने तोड़ा नहीं है। अब सबको नहीं ब्रेक करेंगे। चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। सबसे पहले गैस में पैन चढ़ा लेते हैं। पैन के गर्म होते ही हम सभी ड्राई रेड चिलीज को पैन में डाल लेंगे और जो बीज हमने रखा था उसे हम साइड में रख लेते हैं। अब इन्हें हमें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम में सेक लेना है। देखिए सेक चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ज्यादा हमें इसे जलाना नहीं है। चलिए अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। देखिए ठंडा हो चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुका है ठंडा होकर। चलिए हम इसे एक मिक्सचर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमें इसे ग्राइंड करके पाउडर नहीं बनाना है, बस आप इसे दरदरा सा पीसेंगे। देखिए दरदरा सा पाउडर मैंने बना लिया है, लगभग इस तरह से आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरह से। अब जो हमने सीड्स निकाल के रखी थी उसे भी हम इसमें डालकर मिला लेंगे। तो देखिए होममेड रेड चिली फ्लेक्स बनकर एकदम रेडी है। लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा रेड चिली फ्लेक्स, बट आपने इसे तो होम में ही बनाया है। अब आप भी घर में इजीली रेड चिली फ्लेक्स बनाकर रख सकते हैं। बहुत बार मार्केट में ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, आपके घर मार्केट से अगर दूर है तो आप इसे देखिए कितने इजी वे में घर में ही तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी मम्मी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बगल में पड़े हुए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে এমনি থাকো, আমাদের সাপোর্ট করো। থ্যাংক ইউ।